क्या बात है तो सरप्राइज नहीं रहता ना इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए आधा दिन बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा निकला, हमने बहुत मस्ती की और हम लोग खेत गए, वीडियो भी बनाए आपको ठीक बाय। ये देखो कौन आया, हम आए, साथ ही चलिएगा ठीक है। भगवान प्रभु श्री राम को जो है समर्पित किया है, आपको संभाल कर रखना है इनको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज है मेरा बर्थडे और हमें नहीं पता था इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा हमें, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जैसा कि मेरा भी घर बनना है और तो अभी घर बनना है। तो आंटी ने कई बार मेरे से बोला था बुलाने, मतलब वो आना चाह रही थी, बहुत बार हमने उनको बुलाया भी था, वो भी आना चाह रही थी और कह रही थी कि आएंगे, लेकिन हमने ना उनको हर बार जैसे बोले आएंगे आएंगे पक्का आएंगे तो हम हर बार मना कर दे रहे थे। तो वो ना इतना बड़ा आंटी को सरप्राइज दी, मतलब देख के रोने लगे थे। अभी आपके इसके आगे ना क्लिप्स लगा लेंगे सिमरन से लेके, क्योंकि हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे, हमें पता भी नहीं था, हम तो बर्तन धुल रहे थे, तभी आंटी आगे आपको दिखाते हैं ऊपर पिटी है सिमरन की मम्मी। तो हम लोग पहुँच गए पूछते पूछते आंटी बताना तो चाहिए था उसमें क्या हो गया, इसे पता नहीं क्या बात है तो सरप्राइज नहीं रहता ना, सरप्राइज ही तो देना था। फोन कर पूछो आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं हमने नहीं कहा, उनको बता रही हो भाई, वो फोन के बोल रहे हैं, खुशी ने हमको कॉल करके पूछा है कि कहाँ है, पूछ के बताओ। आंटी सही बात, हम इतना मतलब हम क्या करें, मेरे हाथ पे कांपने लगे हैं, देखो क्या बने बर्तन। अच्छी लग रही हो। अरे कोई बात नहीं यार, क्या है अगर बता देते खुशी को तो सरप्राइज रहता, बिन बताया है। और बताया था मैं एक बार, अब ब्लॉग बनाती हूँ मेरा ब्लॉग बना ही नहीं था। हाँ जाओ अब अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा बैठ लो। हाँ बैठ लो, हम जा रहे हैं। नहीं अभी जा कहाँ रही हो, अभी तो बैठोगी आप। ना ना, थैंक यू सो मच आंटी, इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए। अच्छा तुम बता रोई क्यों, वजह बताओ। मतलब रोई इसलिए ना कि ऐसे मतलब हमें सरप्राइज कभी मिले नहीं है। अच्छा तो हम लोगों का सरप्राइज अच्छा लगा? बहुत 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 अच्छा लगा, झटका लग गया उसको एकदम से। नहीं मतलब मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा ना कि जब आपने फोन नहीं उठाया तो लग रहा था थोड़ा थोड़ा, उधर भी ब्लॉगिंग चालू है, कि आप आ सकते हो क्योंकि आपने बोला था और हमें पता आप जो बोलते हो करते जरूर। अब देखो पीछे मेरे घर की हालत, मेरा घर बन रहा है। अच्छा नहीं लगता, आंटी को अच्छे से बैठा ले भी ना। हाँ तभी इतने अच्छे से बैठा ले धूप में, मेरा तो धूप चाहिए, धूप में मेरे को तो धूप देखी है नहीं। अरे ऐसे कैसे ना, सब लोग पिंक पिंक देते हैं पर मैंने कम पहले बहुत बड़ा लेके सोच रहे थे, फिर हम लोग ये छोटा लिया कि जो घर पे आ जाए। इतना बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा है, ये देखो मेरी खुशी डाली का नाम, ये खुशी इधर बड़ा है, ये देखो। उससे कैंडल मांगा, उसने कैंडल नहीं दिया। अरे नहीं कोई बात नहीं ना, हम कैंडल ही को घर पे दिया ना, कैंडल नहीं कैंडल कैंडल लगती है, जलाती भी नहीं, ऐसे ही के काट देती है, क्यों बुझाती नहीं है, फूंकना नहीं चाहिए, नहीं विश मांग के फूंकना चाहिए तो विश पूरी होती है। वाह और क्या, ये है एक है, अरे कैंडल भी टोल ले रही है, खुशी की विश पूरी होगी एक इतनी छोटी। हां चलाएंगे तो वो भी तो आती, वो भी इतनी छोटी सी होती है, वो छोटी सी मछली में रखी होंगी, उसमें लगवाया था किसी ने। ए कृष्णा क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। नहीं मैंने कहा अब
अपने कृष्णा को समझ के जो कर रही है, कृष्णा क्या कर रहा है? अरे नहीं हैप्पी बर्थडे चॉकलेट ले, तुम्हें चॉकलेट वाला पसंद था? देखो भाई एक बार मेरे घर आई थी तो बोल रही थी नहीं तुम्हें चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट पसंद केक नहीं पसंद। हां चॉकलेट मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। और वो हुआ चॉकलेट करने के बाद फिर पाने उस पे एक्स्ट्रा बटर स्कॉच ये पसंद है, ये तो अच्छा लगा, ठीक है। नहीं आप चॉकलेट केक ले रहे थे नहीं, इसने वो बोला था कि मुझे चॉकलेट पसंद है इसलिए मैंने बोला चॉकलेट पसंद है उसको, लेकिन केक नहीं पसंद है चॉकलेट। चॉकलेट केक में पता नहीं कैसे मतलब वो थोड़ा अकराता टाइप है ये कहीं मां चॉकलेट के डार्क चॉकलेट होगी उसको पसंद है, उसको पसंद नहीं इसने उसे वो कहा तो मुझे लगा हमने बोला था डेयरी मिल्क चॉकलेट जैसे होती है चॉकलेट पसंद है लेकिन केक नहीं पसंद है ऐसा बोला था, भूल गई होगी शायद। बना लिया मैंने, हो गया हो गया, अभी अभी सबको अम्मी दे देना। चलो अब आपको रुकना है? नहीं रुकना नहीं है, नहीं यार डीजे नहीं, डांस होना चाहिए, एक गाना लगा के डीजे डांस होना चाहिए। सही बात है, गाना इसे लगा दिए तो नाचे सही बात है, अगली बार बुलाएंगे ना डीजे वीजे सब ले लेंगे ठीक है अच्छे से। हाँ अब हम चले? नहीं अभी नहीं, अभी चले तक खेत है, रुकना है मंदिर। चलो जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे खुशी, और थैंक यू, ऐसे हमेशा हंसते मुस्कुराती रहो। थैंक यू सो मच इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए, वेलकम। यार मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था कि आ रही होती ना तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते। अभी तक तुम्हारे किसी फ्रेंड ने इतना अच्छा सरप्राइज दिया? सरप्राइज ही नहीं मिला ना तभी तुम रोने लगे। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? यही होता है ना सरप्राइज, बहुत बड़ा वाला बताया तक नहीं था इतना घर पे सदमा लगे कि आंखों से आंसू आ जाए। वही हुआ ना, रोने लगी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा अभी। नहीं मजबूरी आती थी। अरे रुक जाइए ना भैया, हम अभी से बात करे ले रहे हैं। बताया तो तुम सूट फिर जो मीटिंग लगी वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो कैंसिल कर अभी 5 तारीख या 10 तारीख के बीच में। अभी क्या हुआ है? यहाँ वीडियो कॉल पे मीटिंग कर लीजिए। बनारस से आ रहे हैं लोग। कल कल आना, आज बर्थडे है मेरा। झूठ बोल रहे हो। नहीं आज रुक जाइए। अरे अभी अभी तुम्हारे जितेन्द्र आएंगे वो लोग सरप्राइज, थोड़ा सा सरप्राइज सबका हजम करो ना। ये लोग रुक नहीं रहे हैं। कौन सा तुम्हारा बर्थडे आज? ऐसे भी सब आएंगे तुम्हारे साथ? सुनो सिमरन तो रुक रही है, आंटी भी, भैया नहीं रुक रहे हैं। हां ये हैं, हां रुक जाइए ना भैया, अभी तो बोलेंगे नहीं व्लॉग टाइम पे। सबके कैमरे ऑन है, दोनों लोग कैप्चर कर रहे हैं उसमें हम अकेले। दोनों कैमरा एक ही एंगल में लगा है। मतलब कभी कभी हमारे कैमरे से लोग दूर भागते हैं। हाँ माइक से ओके। हाँ चाहिए ना मीटिंग यहीं से अटेंड कर लीजिए। ये असल किसमें? प्रेस में हो ना? रियल में प्रेस। सरप्राइज दे रही आंटी, अभी जब से आई तब से सरप्राइज दे रही है। इसे बोलो वहाँ से जिसे सिंगल अंगली दे रही है वो अंगली खाते हो? खाओ वो पहले कैमरा संभाल लिया। सुबह जाना, खुशी भी आपके साथ में चली जाएगी। जैसे लग रहा है मैं इवेंट में चल रही। चलो जैसे अभी चलना, देखिए सिमरन ने भी है। अगर इवेंट में जाना हो तो चलो भाई रात में हम लोग एक साथ निकल लेते हैं। ये भी स्पॉट हो जाएगा। देखिए हम लोग खेत जा रहे हैं, आंटी ये इमली पान कर लो खुशी, जा रहे हैं खेत।
मैं कहा आंटी रुकी नहीं रहेंगी, भैया को जाना है ना, मीटिंग है, जाओगे भैया? हाँ भैया 9 बजे की मीटिंग, नहीं तो रुकते। देखिए गाइस हम लोग जा रहे हैं खेत दिखाने, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ उसके घर पे, अपने खेत दिखाने जा रही हूँ। तो आप वीडियो भी बनाएंगे, आप लोग देखना इंस्टाग्राम पे। बना सकती है, बौरी बना सकती है। सिमरन दीदी वीडियो बनाने आ रही हैं। दीदी चल रही है तो अब उधर अंजलि वो ईंटे बना बना के तो वायरल हुई थी, देखो अभी बनाएंगी। हां अंदर गेट्स चलना है, सिटी में पैदा हुआ, सिटी में मर। अरे ना हेवन हमारे थे, आइए। हां गेट्स है, दीवार वाल बनी हुई है, बाउंड्री है चौधरी। हाँ बाउंड्री। मोहित के गांव गए थे हम लोग, आम तोड़ के लाए थे, कटहल तोड़ के लाए थे। क्या लाए थे? कटहल 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 कटहल। हम सोचे नया कौन सा, ये अमरूद है, वो वाला, वो अमरूद है, वो अमरूद लगे हुए हैं, ये अनार का है, ये अनार से लाइन से लगे हुए हैं, अनार के पेड़ लगे हुए हैं। ये हमको पता है गोभी का, ये गोभी का ये सागौन है। अबे बताओ सागौन का पेड़ है, सागौन का पेड़ है। किसका पेड़? सागौन का। सागौन क्या होता है? लकड़ी होती है, लकड़ी होती है, लकड़ी होती है बहुत। इसमें क्या है अंदर? इसमें क्या पता था क्या? बहुत खाती हो सब्जी में, आलू आलू आलू। अच्छा आलू उसने बताया ना, इसमें नहीं इसमें आलू लगता है, आलू पहले रखे जाते हैं, आलू इसमें बोए जाते हैं। थोड़े दिन पहले भी हम लोग ऊख के आगे, ऊख है ये शुगर केन, गिर जाएंगे तो क्या? तभी कह रहे थे उधर से आना है, तो चल गया, तब तो देखा नहीं आपने। सुबह ही ब्लॉग आ जाएगा, कल आएगा ब्लॉग, नहीं आज ही जाके लड़की वीडियो बन रही है, हम भी साथ में वीडियो बन रही है। हां कहां रहती हो? अरे बिटिया हम रहते हैं बहुत देर तक, हम लोगों ने वीडियो बनाई और हो चुकी रात, आंटी को जाने देंगे। हाँ पर हम जाएंगे। अबे अबे पता है अभी भाई पूछ रही मंदिर बंद क्या बजे होता है, अभी होके नहीं आई मंदिर, तभी तो लेट करा रहे हैं, धीरे धीरे लेट हो जाते हैं, मंदिर दर्शन ना फिर कल जाए है ना, सही है ना। लेकिन आंटी हैं कि सूर्य की पक्की है, जाएंगे जरूर, जहाँ जो चीज खा ले तो ठान ले, जबान पक्की वाली है एकदम, कतई पक्की वाली। परसों मुझे ना लहसुन चिल्ले तो बता रही थी हमको कि तुम्हारे बर्थडे में तुमको सरप्राइज देंगे, हम क्या मजाक कर रही होंगे, सच में सरप्राइज दे दिया। और कह रहे हैं पीछे वीडियो बनाते बनाते उसको ट्रैक्टर पर बिठा ले, मैंने लखनऊ में छोड़ा हो जाएंगे। सिमरन के बर्थडे में एक बिग सरप्राइज का सोच रही हूं, पर अभी थोड़ा सा ये कम पड़ा है मनी। आंटी कह रही हैं अपना टेबल बढ़िया हो गया, बना ले लेता बाहर। हां मेरा ये मतलब था कि सिमरन के बर्थडे में कुछ सिमरन को बहुत खास देने का मेरा मन था, पर क्या हुआ ना कि कुछ इसका मेरा पैसे का बजट नहीं बना, तो कुछ सोच के वरना अभी गाड़ी ली है आंटी ने। हां अभी बेटा, हां अभी 1 मंथ हुआ होगा, इस वजह से अभी सिमरन का बर्थडे आ रहा 5 जनवरी का ना, तो आई थिंक 5 जनवरी को मैं सरप्राइज नहीं दे पाऊंगी, पर मैं ये बोल रही हूँ 28 जनवरी को मैं एक बिग सरप्राइज सिमरन को दूंगी। अच्छा बहुत बड़ा सरप्राइज है गाइस, 5 जनवरी को पता चलेगा क्या सरप्राइज है, हमें भी नहीं पता है। बस इरादा मेरा ये था कि सिमरन को 5 जनवरी को दूँ, पर मन ही नहीं। ये तो अब जा रही है आंटी, इधर वो अभी बहुत टाइम लगेगा, आ रहे हैं बस, आ जा रही है, कहाँ है? इतना बोले रुक जा रुक जा रुक जा, रुकी नहीं है। अरे रुकते तो है, इन भैया को पता नहीं क्या आज ही मीटिंग लगी है। हाँ बहुत बड़ी वाली, अब बोले कि नहीं ब्लॉग में, नहीं आंटी अगली बार आएंगे ना, रुकेंगे ना पक्का। किसी किसकी शादी करोगे अपनी शादी? अरे शादी शादी में ठीक है, सरप्राइज में तब शादी में आएंगे ठीक है खुशी। हाँ नहीं अभी बहुत टाइम है फिर, तब तक तो कम से कम बच्चों की शादी कम से कम 10-20 बार चक्कर लग जाएंगे जब तक हुई ना, समझ रहे हो? मतलब मेरा पूरा दिन आपके साथ रहा ना बहुत अच्छा हो गया, उम्मीद नहीं थी ऐसे सब। अब आधा दिन बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा निकला, हमने बहुत मस्ती की, हम लोग खेत गए, वीडियो भी बनाए, आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। तो गाइस चैनल को लाइक कमेंट कर देना, पहले आना अभी से बोल के मेरा भी बर्थडे आ रहा है, ठीक इसको लेके आना, कृष्णा आता नहीं है, कोशिश करेंगे कृष्णा हो जाएंगे। हाँ दो दो अब कब आओगे आप? जल्द आएंगे, जल्द कब आ जाएंगे? जब दिल से फिर बुलाओगे फिर आ जाएंगे। अच्छा बाय 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 ना जाए। आंटी नमस्ते, भैया नमस्ते, बाय। ठीक बाय।
तो गाइस सिमरन चली गई, अभी नहीं अभी रुकी है, जा रही है। चली गई सिमरन। आज मेरा बर्थडे अच्छा हो गया ना मम्मी, क्यों मम्मी बढ़िया हुआ ना मेरा बर्थडे। अभी लाइट भी चली गई यार, सब अंधेरा अंधेरा हो गया पूरा, देखो सब अंधेरा अंधेरा पड़ा है। अभी ये सब प्लास्टर होना बाकी है, तो ये बाद में होगा, पहले इतना हो जाएगा तब होगा। और अभी एक लोग और आ रहे, और आ रहे, कौन आ रहे उनको भी दिखाएंगे आपको। ठीक है जवाब, ये देखो कौन आया। हम आए। नमस्ते भैया, मस्त एकदम, कैसे हैं आप? ठीक है। किसको दिखा रहे? नमस्ते भैया, इट्स मी, ये सिमरन का गिफ्ट मेरा हुआ। सिमरन ये क्या है भाई? ये क्या है? ये मेरा टेडी बियर है। टेडी बियर बताया था कि मतलब जन्मदिन है, हम सामने दुकान पे यही लेने वाले थे, लेकिन फिर प्लान, अरे तो बढ़िया था, दो दो हो जाते। नहीं देखो ठीक है, लव यू। लेकिन आंटी ने कलर बहुत अच्छा। तो सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। गाइस एक चीज और ना, सुबह से जितनी बार भी मैं कॉल करती हूं, हैप्पी बर्थडे सिमरन के फोन पे बात हो रही है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले सुनो, कितने बजे सुबह? मैंने 5 बजे आपको विश किया था ना, सबसे पहला मेरा विश। भैया एक चीज और, जी जी, मेरा घर वाला नहीं था, हमको नहीं लगा था मेरा इतना अच्छा बर्थडे हो जाएगा, आप आओगे, सिमरन आएगी, आंटी आएंगी, इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। नहीं ये आपकी मेहनत को जाता है, डेडिकेशन को जाता है। थैंक यू, सारी चीजें हैं और भी अच्छा धूम धाम मचाएंगे एकदम से। अगला जो बर्थडे होगा रॉक पार्टी होगी, ठीक है, मजा आ जाएगा। अभी अगली बर्थडे में ना मेरा घर भी बन जाएगा, अभी आप देख सकते हो, घर दिखा दो तब तक। हमने दिखाया नहीं, ये आपको बताएंगे बाद में क्या है क्या। ये देखिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे ये देखिए, इनका सुंदर सा महल तैयार हो रहा है इनकी मेहनत से। जब तैयार हो जाएगा ना, हम आपको होम टूर देंगे पूरा। ओके, बताना, कमेंट करना, तो होम टूर देंगे, है ना। मेरी मम्मी, मेरी मम्मा, और अभी ये भी देखो बनना है, इसमें वीडियो बना। तो जितेन भैया को तो आप जानते हो, और ये जानते हो कौन है, फिर से समझ आ रहा होगा आपको, जितेन भैया के बड़े भैया, तो मेरे भी बड़े ही भैया हुए ना। बहुत बहुत बधाई बहन को। हाँ, तो भैया तो केक खाते नहीं, बताओ ये कहाँ खिलाएंगे? हम खिला देंगे। अच्छा, आप खिला देंगे? हाँ, खाते नहीं, खिला देंगे। हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी बहन को, पीछे आओ, पीछे आ जाओ, और हमारी शुभकामनाएं टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले आप इतनी ऊंचाइयों को छू रही हैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, आपको बहुत बहुत छोटी बहन बधाई हो, और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी प्रभु जी से यही कामना है कि खूब आगे बढ़े, अपने घर परिवार माता पिता और समाज का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको हृदय से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू भैया। केक तो खिला दीजिए भैया, केक खिला दीजिए, दोबारा खिला दीजिए, दोबारा खिलाइए भैया, खिलाइए। हैप्पी बर्थडे। आप नहीं खाएंगे? नहीं खाते नहीं भैया, अच्छा नहीं लगता भैया। जल्दी से नहीं रोको यार, ये एक्स्ट्रा। हैप्पी बर्थडे खुशी, थैंक यू, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो ये केक सारा सब कुछ ये मेरा है यार, कौन लेके आया? आंटी लेके आई। कौन आंटी? सिमरन की मम्मा। अच्छा सिमरन, पहले मिल चुके हैं आपसे? सरप्राइज गिफ्ट था आपके लिए ना, बताया नहीं था। ये मैं रखूं? मैं दिलाता हूँ आपको। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, एंड पता नहीं आगे थोड़ा थोड़ा सा खिलाइए, बहुत खा चुके हैं। अच्छा सिमरन खिला के गई है तो पेट भर गया होगा ना? पेट भर गया, कोई नहीं, थोड़ा भैया खिलाएंगे जिस दिन भैया। एक बार और है, थोड़ा सा खा लो। हैप्पी बर्थडे, और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, और ऐसे ही इनका सपोर्ट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इनके जो इंस्टाग्राम पेज को है देश दुनिया तक पहुंचाइए, ताकि और ऊंचाइयां छू सके और भी पैसा कमा सके। दोस्तों जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मकान बना हुआ है, ये इन्हीं की मेहनत की है। नजर नहीं लगेगी, सब आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं, मेरी मेहनत का
पापा की मेहनत को सबकी मेहनत का क्या बात है, क्या बात है, ये होता है प्यार, जज्बा। तो ये दिखा दो, यहाँ पर एक खुशी लिखा हुआ है, आंटी लिखवा के लेके आई थी। जल्दी आ जाओ सनी, आप भी आ जाओ, केक खिला दीजिए, ये भी इनके फैन है, मिलने के लिए आए हैं, तो मैं केक रोक लेता हूँ। हाँ हाँ, तो ये खिलाएंगे आपको, जल्दी जल्दी खिला दो और बढ़िया से खिलाना, थोड़ा सा खिलाना, ठीक है। बहुत खा चुके हैं वैसे। और तुम्हें हमको नहीं खिलाया, आप खाते ही नहीं तो क्या खिलाएं आपको। बेइज्जती हो जाती इसीलिए कह रहा हूँ। गजब पेस्ती। अरे आप खा लो, आप तो खाते हो ना, खाते हो ना, आप खाते हो भाई साहब। मैं नहीं खाता केक वेक इसीलिए। ये बात जी, अब आ जाओ यार, आ जाओ करण जी, आ जाओ, आइए भैया, आप भी आइए। ये सभी लोग आपके वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज बर्थडे में जितेंद्र तो जाएंगे ही जाएंगे, तो हमको भी साथ में हो जाएगा। अरे यहां करनी भैया भी आए हैं। प्रभु श्री राम से शुरुआत करते हैं, बधाई है आपको, आप प्रभु श्री राम की दया आप पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू भैया, जल्द ही अयोध्या चलेंगे। जा रहे भैया, बहुत मस्ती की है आज। नमस्ते राधे राधे, बाय। हाँ भैया, गाड़ी ले लो। हाँ गाड़ी, गाड़ी ये। अरे देखो भगवान, आपके मुंह में सरस्वती माता का वास हो। अरे बिल्कुल तो हमेशा है जी, शक्कर जल्दी से आ जाए। आपकी जब हम आए मिलने आपसे तो फोर व्हीलर यहाँ खड़ी हो। अरे भगवान करे आ जाए, बाकी सब कुछ हो गया। राधे राधे, यस आप राधे कृष्ण जी को ही आना है, राम जी आ गए। बिल्कुल आइए आइए, इधर भैया। कब चल रहे हैं साथ में, कहाँ कहीं चलना है कि नहीं? अयोध्या चलो, घर चलो। ठीक चलते हैं। जय श्री राम। ठीक बाय, जय श्री राम, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई इधर भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, और मेरा केक दिखाते हुए हमने कट किया ना, रील्स बना ली है रात वाला भी। ये लाए थे भैया, ब्लॉग बना, केक कट किया, रील्स ही बनाई है, ब्लॉग ये बना रहे हैं, भूल जाते हैं बनाना यार। बहुत दिन अब और पहुंचे, अब ना भैया नॉय करते सब्सक्राइब, बेचारी के पैसे वैसे नहीं आ रहे, जल्दी सब्सक्राइब करो भैया। नहीं सब्सक्राइब कर रहे भैया, क्या दिक्कत है, पैसे चाहिए। पैसे मिलेंगे तो सब्सक्राइब करो, 2 मिलियन होंगे तब सब पैसे बांटेंगे। सब्सक्राइब कर दो, पाई उमर पूछ दी ने पूरा खड़े रहा मेरे पैर पर, सही बात है, सच में कोई बात नहीं। बाय बाय, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।